कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज दफा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। वहाँ पे एक ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम है, शायद उसको जेनेरिक सिस्टम कहते हैं। हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके लेकिन हम दवाइयों का खाम माल नहीं तैयार कर सके, इसकी क्या वजह है? हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो में आरिफ निज़ामी और जायद सईद ने ये बताया है कि कैसे जो दवाइयाँ भारत में बनती हैं वो और दुनिया में कहीं नहीं बनती, और भारत ने हमें दुश्मनी होने के बावजूद मानवता का सबूत देते हुए ये लाइफ सेविंग दवाइयाँ हमें दी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त मुल्क में एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है और ये इंसानी ज़िंदगी से खेलने का मसला है, सेहत का मामला है। तो इस बारे में जो बहुत वाइटल रॉ मटेरियल है लाइफ सेविंग ड्रग्स का, उसको दरामद करने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो भारत से ही हो, ये तो एक इंसानी मामला है। जी जी, जुलाई 2019 में जब भारत ने कश्मीर के साथ एक जारहाना रवैया इख्तियार किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई कि भारत से तमाम तजारत को बंद कर दिया जाए, और उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसमें एक हमारे सामने एक गंभीर सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 45 से 50 फीसद खाम माल जो दवाइयों का आता है वो भारतीय कंपनी से पाकिस्तानी कंपनीज खरीदती थी और उनको यहाँ पर प्रोसेस करके और दवाइयों में कन्वर्ट करते थे। तो ये जब यकलख बंद हुआ, और दवाइयों का मामला मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसलिए ज़रा सा सेंसिटिव होता है कि हम अगर कोई मटेरियल कहीं और अवेलेबल भी हो तो फौरी तौर पर तब्दीली नहीं कर सकते, हमें स्टेबिलिटी स्टडीज करनी पड़ती हैं, जो एक महंगा प्रोसेस और वक्त लेने वाला प्रोसेस है। तकरीबन 7 से 8 महीने लगते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज करके किसी दूसरे इंग्रेडिएंट पे शिफ्ट होने में, आप एक दिन में इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमने हुकूमत के सामने ये मामला पेश किया, क्योंकि इम्पोर्टर्स जो हैं वो वैक्सीन मंगवाते हैं और कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज दफा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। तो उनको भी बुलाया गया और सबसे एक मुजाकरात हुए और उसके अंदर हमने सूरत हाल पेश की। जाहिर है कि जिस तरह 2019 में दो मरतबा भारत से हमारी तजारत तातुल का शिकार हुई थी, तो ऑलरेडी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे स्पेशली चाइना के साथ, और हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोसेस को शुरू कर दिया था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था कि हम सारा कुछ शिफ्ट कर सकते। कि थेरापीयूटिक्स गुड रेगुलेटेड बाय ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनको इजाजत दे दी जाए कि वो पाकिस्तान आ सकें, और इसी के तहत जो खाम माल है वो दोबारा भारत से इम्पोर्ट शुरू हुआ। अच्छा, आपको निज़ामी साहब मैं एक बात ये भी बताऊं कि इस दौरान के अंदर यानी सितंबर अक्टूबर से ये दोबारा काम शुरू हुआ और अब तक कोविड के आने तक तकरीबन 10 से 15% यानी अगर 50% हम भारत से पहले माल लेते थे तो 15 से 20% अब चाइना के ऊपर हम शिफ्ट कर चुके थे इस दौरान में, और अब 30 से 35% भारत के ऊपर हमारा इनहिसार रह गया था, और ये बतदरीज रोज बरोज कम हो रहा है। लेकिन उफ्ताद ये पड़ी कि जो कोरोना वायरस आया वो चाइना में आया, और चाइना 2-2.5 महीने के लिए कंप्लीट शटडाउन पे चला गया जनवरी से। तो हमने जो चीजें शिफ्ट की थी कि ये मटेरियल हम चाइना से लेंगे, चाइना वो देने के काबिल ही नहीं रहा, इसलिए कि वहां पर वबा आ गई पहले और चाइना जनवरी से मार्च तक कंप्लीट शिफ्ट हो गया। नतीजा था ना, हमें दोबारा भारत की तरफ रुजू करना पड़ा उन चीजों के लिए, क्योंकि चाइना और भारत के अलावा कहीं और मिलती नहीं है। तो अब इस मजबूरी के अंदर हम वहां गए। अच्छा जायद साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं, दूसरा आपका एक मौकफ ये भी है कि अगर सरदस्त इस वक्त भारत से खाम माल पे या अद्वियात लाने पे पाबंदी आ जाती है तो जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन है, अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, वो भी मुतासिर होगी। तो आपको इसका हल क्या नज़र आता है, और ये जो इंक्वायरी हो रही है, छानबीन हो रही है, इससे क्या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स भी मुतासिर हो रहे हैं किसी हद तक? देखिए, इंक्वायरी तो जिस चीज़ की चाहे हुकूमत करवाए और वो करवाने की मजाज है और हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये एक बिल्कुल क्लियर मामला है। अच्छा, एक जो ये इबहाम है ना, मैं इसको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जी विटामिन आई हैं, मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ। एक विटामिन है जिसका नाम है फोलिक एसिड, बहुत ही सस्ता और बहुत आम सा विटामिन है, लेकिन वो बनता वहाँ पर है।
अच्छा, इस फॉलिक एसिड को अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर्स को ना दें तो बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं। बहुत 90% खतरा होता है कि बच्चे के अंदर कोई कमी रह जाएगी, इसलिए 9 महीने तक माँ को एक गोली रोज खानी होती है एक्सपेक्टिंग माँ को। इसी तरीके से वाइटामिन B1 है, कहने को तो वो वाइटामिन है लेकिन बेरी बेरी डिजीज में अगर वाइटामिन B1 अवेलेबल ना हो तो पेशेंट फौत हो जाता है, उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो वाइटामिन जो है वो सिर्फ ताकत की चीज नहीं है बल्कि अपनी जगह पे वो थेरेप्यूटिक चीजें होती हैं, और उनके खाम माल यहां इम्पोर्ट हुए हैं इसलिए कि वो थेरेप्यूटिक गुड्स में यूज हुए हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छा, इस वक्त क्योंकि एक टर्बुलेंस है इंटरनेशनली, आप देख रहे हैं कि अमरीका के सदर को भी कहना पड़ा है कि एक खास दवा जो उन्होंने भारत को कहा है कि वो उनको फराहम करें। तो इस वक्त इस टर्बुलेंस के हाल में मेरा ख्याल है हमें इस मैटर को थोड़ा सा रोकना चाहिए, और जैसे हालात ठीक हो जाते हैं 1-2 महीने के बाद तो इसको बैठ के हम मजीद हुकूमत के साथ सोच विचार करने को तैयार हैं कि भारत पे हम अपना इन्हिसार मुकम्मल सिफर कर दें, लेकिन इसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए। अच्छा, ये मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे कि ये आपने बताया कि भारत को इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल है इन एरियाज में, क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम है, शायद उसको जेनेरिक सिस्टम कहते हैं, या कोई और वजह कि वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा है? हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना सकें लेकिन हम दवाइयों का खाम माल नहीं तैयार कर सके, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें मैं आपके सामने 2-3 वजूहात पेश करता हूं। असल बुनियादी वजह यह है कि जब आपके पास कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं होती तो कोई आता नहीं, और क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनको करने के लिए एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट आपको चाहिए। हम देखते हैं कि हुकूमतों की तब्दीलियों के साथ सारी पॉलिसियां तब्दील हो जाती हैं, जो बड़ा मुश्किल काम है किसी बिजनेस के सस्टेन करने के लिए। दूसरा मसला यह है कि क्योंकि वहां कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और वहां खाम माल बनाना सस्ता पड़ता था दुनिया की दूसरी जगहों से, लिहाजा USA ने, यूरोप ने और जापान ने और दूसरी डेवलप्ड वर्ल्ड ने अपने आप को आउटसोर्स करना शुरू किया। उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एनवायरमेंट मौजूद थी, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को वेलकम किया, उन्होंने कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वहां पर दी, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज भी वहां आ गई और उन्होंने भारतीय कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी देके आउटसोर्स कर दिया ताकि वो निस्बतन सस्ते रेट्स के ऊपर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकें। खुद तो यूरोप और USA चले गए बहुत हाईटेक के ऊपर, आप देख रहे हैं वो वायरल रिसर्च के ऊपर और बिल्कुल बायोटेक के ऊपर चले गए, और ये जो खाम माल थे जो निस्बतन असेंशियल ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं लेकिन बहुत सस्ती हैं, इनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया इंडिया को, क्योंकि वहां पर इसके लिए हुकूमत का बनाया हुआ फ्रेमवर्क मौजूद था। और निजामी साहब, आप ये बताएं कि हमें मालूम है कि हम स्नेक वेनम के अंदर, हम कुत्ते के काटने की वैक्सीन के अंदर पंजाब में और सूबे सिंध में कितने मसाइल पैदा हुए हैं, और ये वहीं से आती है। कैंसर की बहुत सारी ड्रग्स हैं जो वहां से आती हैं, जो TB की दवाइयों का खाम माल है वो दुनिया में कहीं नहीं बनता, इस वक्त सिर्फ इंडिया में बनता है। तो हमें इन चीज़ों को देखभाल के और इनके ऑल्टरनेट्स करके, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भारत पर इन्हिसार ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें उन पर इन्हिसार 100% ख़त्म करना है, इसलिए कि हमें तो नहीं पता कि किस दिन वो पाबंदी लगा दें या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें पाकिस्तान के लिए जिसकी वजह से वहां से खाम माल आना मुमकिन ना और हमारे अवाम मुश्किल में आए। लेकिन इसके लिए हमें और हुकूमत को बैठ के और कोई टाइम पीरियड तय करना चाहिए और किसी सिस्टम के तहत इसको करना चाहिए, इस तरह नी जर्क रिएक्शन पे नहीं हो सकता। मेरी समझ की हद तक मेरा ख्याल है कि काबीना को इस सिलसिले में मिसगाइड किया गया है। अगर काबीना के सामने सारे जो है वो हकायक रखे जाते तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ रवैया होता। जाहिर साहब, PPMA की मीटिंग्स नहीं हुई क्या कंसर्न मिनिस्टर से, मुतालिका लोगों को आपने नहीं बताया अपने तहफ्फुज़ात? जी, हमने जो जैसे ही हमें पता चला है, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये सारी कैफियत है और आपको पता है रमज़ान की टाइमिंग ऐसी है और लॉकडाउन्स और हर चीज़ इसके अंदर जो है वो हमें दरपेश है, और इस सारे सूरत हाल के अंदर हमारी तो जद्दोजहद है कि दवाइयां मौजूद रहें, कीमतें ना बढ़ें, शॉर्टेज ना हो, ब्लैक ना हो, हम तो मुकम्मल फोकस उसके ऊपर किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आया, हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी लेटर्स भेजे हैं जिसमें इसकी वजाहत है, और हमने उनसे मजीद कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर कुछ अर्जेंसी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं,
और जो वैक्सीन्स के इम्पोर्टर्स हैं, जो कैंसर के ड्रग्स के इम्पोर्टर्स हैं, उनको साथ बिठा लीजिए और बिठा के इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई स्ट्रैटेजी बना